नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज रविवार यानी 27 नवंबर को पांचवा दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे महू से रवाना हुई और करीब 9:45 पर रऊ में अपने पहले पड़ाव पर पहुंची। यहां यात्रा लंच ब्रेक के लिए रुकी। इससे पहले राहुल ने मामा जी के ढाबे पर रुककर टी ब्रेक लिया था। राहुल पहुंचने पर राहुल ने बुलेट बाइक चलाकर देखी। इस दौरान स्थानीय विधायक जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसी नेता उनके पीछे भागते दिखे। कुछ घंटों आराम के बाद यात्रा का दूसरा चरण दोपहर 3:30 शुरू होगा। यहां से यात्रा इंदौर जाएगी। वहां राजेंद्र नगर पुलिस थाने के सामने से होते हुए चाणक्यपुरी चौराहा, केसर बाग ब्रिज, चोइथ राम मंडी चौराहा, माणिक बाग रोड, कलेक्ट्रेट चौराहा, हरि सिद्धि मंदिर के पास से गांधी भवन होते हुए यात्रा राजबाड़ा पहुंचेगी। नुक्कड़ सभा के बाद यात्रा चिमन बाग मैदानी पहुंचेगी। यहां रात्रि विश्राम होगा। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.